नगर पालिका शिवपुरी नीलामी की हुई दुकानों पर अब तालाबंदी करने जा रही है। दरअसल पूरा मामला यह है कि 10 से 15 साल पहले नगर पालिका शिवपुरी ने अलग अलग स्थानों पर दुकानों की नीलामी की थी, लेकिन दुकानदारों द्वारा वह पेमेंट अलग अलग हिस्सों में देना था, लेकिन दुकानदारों द्वारा नीलामी की प्राइमरी राशि जमा नहीं की गई, जिसके बाद नगर पालिका सभी दुकानों पर तालाबंदी करने जा रही है। वहीं आपको बता दें कि नगर पालिका शिवपुरी 63 दुकानों पर पहले ही सूचना दे दी गई थी, साथ ही नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अब नगर पालिका शिवपुरी तालाबंदी करने जा रही है। नगर पालिका में 15 वर्ष पहले दुकानों की नीलामी की गई, लेकिन एक 63 ऐसी दुकान है जिनको अभी तालाबंदी की कार्रवाई करते हैं, क्या कारण है? देखिए नीला हमारे पास जितनी दुकानें हैं उसमें करीब नगर पालिका की करीब 11 दुकान, और उसमें से 100 दुकानें ऐसी हैं कि जिनकी जिनका ऑप्शन होना है, नीलामी होनी है, और बड़ी संख्या में दुकानें ऐसी हैं कि जिन्होंने जिनके या तो किराया बाकी है या नीलामी के समय जब भी उन्हें दुकानें मिली होंगी तो उन्होंने जितना उनको एकमुश्त पैसा जमा करना था वो पैसा जमा नहीं किया है। उन्हें सुविधा दी गई थी वो किस्तों में जमा करें, लेकिन वो पहली किस्त देने के बाद बाकी का नगर पालिका का जो पैसा है वो बड़ी संख्या में ऐसी दुकानें जिनको जमा नहीं किया गया है। नगर पालिका अभियान चला रही है कि हम वो सारा जो हमारी नगर पालिका की जो देयताएं हैं वो पैसा हम वसूल करेंगे, और हमने कई बार चिट्ठियां दी हैं उनको, और यदि उसके बाद भी जिन्होंने पैसे जमा कर दिया है अच्छी बात है, नहीं किया तो सख्त कार्रवाई करना शुरू कर रहे हैं। तब 15 वर्ष तक कोई कार्रवाई सर, अभी आपने नगर पालिका में 15 वर्ष बाद ये कार्रवाई की जहमत उठाई, सर क्या कारण? देखिए क्यों नहीं कार्रवाई हुई इसके उसमें कुछ कारण रहे होंगे वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन नगर पालिका और नगर का विकास बिना राजस्व के नहीं हो सकता है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनका और नगर पालिका की दुकानों में रहकर उनका व्यापार चल रहा है, तो वो जो शर्तों के अनुसार उनको नगर पालिका का जो पैसा है, इसलिए नगर पालिका का नहीं, वो नगर के लोगों के विकास का पैसा है, वो उन्हें खुद आगे आगे देना चाहिए।